नमस्कार बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा और आज की रेसिपी जो आप लोगों को देने वाला हूँ बड़े गजब की नमस्कार बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि अनार कि आप लोग बड़े आसानी से फटाफट कैसे छील सकते हैं और जूस जो कि अनार का जूस बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि अनार हम ज़्यादा पीस देते हैं तो कड़वा हो जाता है तो वो दिखाएंगे सबसे पहले अनार दिखाएंगे आप लोगों छील के कि आप सिर्फ फटाफट अनार कैसे छील सकते हैं एक के जी अनार भी आप पाँच मिनट में छील सकते हैं तो चलिए आप लोगों बताते किस तरीके से आप छील सकते हैं। एक के जी अनार पाँच मिनट में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनार लिया हमने इसको हम बीच में से काट लिया एक के दो कर लिए देखिए ये, ये अनार हमने एक के दो कर लिए है ये एक के दो करिए अनार ये पहली टेप है कि जो आप लोग दिखा रहा हूं मैं और इसमें अगर आप लोग बोलते हैं और अनार की वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए और अलग अलग तरीके से छील के बताएंगे ये तो हम नाइफ तो आपका हाथ कट सकता है तो हमने ये नाइफ से छील रहे हैं और आप लोग मत करना इसको इस तरीके से आप लोग मत यूज करना ना आपका हाथ कट सकता है ये तो हमने जो नाइफ से काटा तो उसी से हमने उल्टा करके ये छील दिया और ये देखिए फटाफट हमारा अनार छिल भी गया एक भी दाना नहीं है और ये हम दूसरा ये हमारे पास पलटा है पलटा लिया हमने इस तरीके का कोई भी आपके पास भारी है बेलन है पलटा है आपको दिखा रहा हूँ उससे आप इस तरीके से हल्का हल्का हाथ पे पकड़ कर ठोकर मारना अनार के ऊपर तो उसके दाने पूरे झड़ जाएंगे नीचे और आप एक मिनट में ए, अनार छील सकते हैं पाँच मिनट में आप एक के जी अनार छील के छील देंगे ये देखिए और पाँच मिनट में वैसे आप एक अनार नहीं छील सकते हैं ये देखिए ये हमारा अनार बिल्कुल ये देख अब ये बेलन आप बेलन से या पलटा से या स्कूपर है या भारी चीज कोई भी इस तरीके की है बस आ, अनार के ऊपर आपको मानना है पूरे उसके दाने नीचे गिर जाएंगे ये देखिए इस तरीके से आप अनार छील सकते हैं पाँच मिनट में एक के जी अनार छील सकते हैं और आगे आप लोगों दिखाएंगे अब जूस बना के देखिए इस तरीके से आप लोग अनार छील सकते हैं बड़े आसानी से तो चलिए ये, ये देखिए पूरे बीजे निकल गए एक भी बीजा नहीं है और इस तरीके से आप लोग अनार छील सकते हैं ये देखिए ये और ये हमने अनार डाला ये देखिए अनार का जूस बनाने के लिए अनार जो छील कर रखा था हमने अगर आप लोग शक्कर डालना चाहते हैं तो तीन चम्मच शक्कर डाल इसमें करीब जो अनार हमारा वो है आधा के जी के आसपास है और बीजे ही आधा के जी है लिया और ये टाइट और इससे बनाएंगे हैंड ब्लेंडर से जूस ये देखिए ये अनार का कितना भी पीसेंगे आप इसको ज्यादा भी चला देंगे तब भी इसमें आपका जूस कड़वा नहीं होगा इसमें बीजे नहीं पीसते हैं ये देखिए ये हमारा अनार का जूस रेडी और इसको हम छान लेते हैं इसमें चाहो तो आप हल्का सा काला नमक डाल सकते बट हमने कुछ भी नहीं डाला सिर्फ थोड़ी सी शक्कर डाली है और कुछ नहीं और इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए और गर्मियों में बना रहा है तो आइस ये हमारा अनार का जूस रेडी बेबार जूस विदाउट पानी वाटर नहीं डाला हमने कोई वाटर नहीं डाला इसके अंदर और ये पूरे बीजे ये देखिए सारे बीजे दिख रहे एक भी बीजा इसमें नहीं पिसा इतना टेस्टी जूस बनेगा ना बहुत ही टेस्टी जूस बनेगा मिक्सर में बनाना और इस... बनाना और इसमें बनाना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है मिक्सर का जूस जो होता है हल्का सा कड़वा हो जाता है बट ये कड़वा नहीं होगा आपका जूस वो ये देखिए इससे आप जूस बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बना सकते हैं और ये हमारा जूस रेडी तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं और हमारी रेसिपी अगर आप लोगों अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोगों हमारी रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगे तो लाइक कर देना कमेंट कर देना और शेयर कर देना और आप लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिल जाएगा और ये हमारा अनार का जूस रेडी तो आप लोग लिंक दे दूंगा शिव भाजी की पाँच प्रकार की ग्रेवी जाके चेक कर लीजिएगा और छह सौ से ज्यादा वीडियो हमने अपलोड किए हैं तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं और ये हमारा अनार जूस रेडी तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं थैंक यू धन्यवाद